बल्कि विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड साइकिल डे आज है, और जो कि पूरे वर्ल्ड में साइकिल डे मनाया जा रहा है, और ये दूसरा साइकिल डे है। तो इस मौके पर हम आना सागर चौपाटी के ऊपर आए हैं और हम लोगों से साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अगर हम साइकिल की बात करते हैं, अगर हम हमारे लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो फिटनेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर फिटनेस की बात करेंगे तो फिटनेस के नाम पर लोग जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, लेकिन एक ऐसी एक्टिविटी जो आपको तो फिट रखती है, साथ ही साथ आपके एनवायरनमेंट को, आपकी सिटी को भी बहुत क्लीन और बहुत सुंदर रखती है। तो आज हम बात करने वाले हैं लोगों से साइकिल के बारे में। इस वक्त हम खड़े हैं आना सागर चौपाटी के ऊपर और आज है 3 जून, यानी कि वर्ल्ड साइकिल डे। और इस मौके पर जब हम यहाँ पे वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें कुछ लोग मिले हैं जो साइकिल चला रहे हैं, तो आज हम लोग इनसे बात करने वाले हैं। आपका नाम? आपका आपका ओके okay, तो ये लोग, आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? पुष्कर की तरफ से आ रहे हैं। तो आप साइकिलिंग करने के लिए निकले हैं या आप किसी काम से निकले हैं? साइकिलिंग करने के लिए निकले हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम हमारे काम के साथ साथ अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि साइकिलिंग जो है वो हमारी काफ़ी सारी डिजीज़ को कम करती है, हमें फिट रखती है, एक्टिव रखती है। तो हम इन लोग से जानेंगे कि आप जब साइकिल चला रहे हैं तो आप कैसा फील करते हैं साइकिल चलाते वक्त? मतलब एक फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हैं, मतलब लोग जिम जा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट जो स्पोर्ट है, बेस्ट एक्टिविटी है, वो साइकिल है। अच्छा, अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि साइकिलिंग करने से मतलब आपको किसी तरह की जो बीमारी है उसे बेनिफिट मिलता है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अगर हम साइकिल की बात करते हैं, तो आप कितने किलोमीटर रोज साइकिल चला लेते हैं? 30 to 40। तो आपको कोई इससे स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है आपका, और पढ़ाई में आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, कंसंट्रेशन मिल रहा है? देखिए, ये लोग 30 से 40 मिनट रोज साइकिलिंग करते हैं। हाँ, 30 से 40 किलोमीटर रोज साइकिलिंग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इनको इससे काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो साइकिल एक बहुत अच्छा स्पोर्ट है, और आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए कि ये लोग कितना साइकिल चला रहे हैं। मेरे साथ है ललित जी और ये है गौरांग, और मैं खासियत बताऊं, ललित जी है ना, हमारे अजमेर शहर में साइकिलें बेचते हैं। ये बहुत खूबसूरत बात है कि इनका बिजनेस आज भी वैसा का वैसा ही है। ललित जी, साइकिल के फायदे हमने गिना दिए, मुझे ये बताओ कि लोगों का साइकिल में इंटरेस्ट है? देश का प्रधानमंत्री ने कहा है सप्ताह में एक दिन घोषित किया जाए। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा अपन को ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि आप साइकिल पर बढ़ावा दीजिए देश के पर्यावरण के लिए, और सबसे ज़्यादा फिजिकल अपने एक्सरसाइज होगी उसके लिए, जो आजकल प्रयास किए जा रहे हैं, सेपरेट रोड बनी जा रही है, साइकिलिंग ट्रैक बनी जा रही है, विदेशों की तर्ज पर सारा अपना काम चल रहा है, तो आने वाले भविष्य में भी साइकिल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने वाला है। इलेक्ट्रिकल साइकिल्स भी आ रही है, नित नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि साइकिल खूब से खूब चलाएँ, अजमेर वाले खास करके चलाएं, क्योंकि जितना पर्यावरण अपना सही रहेगा उतना अपने देश के लिए खर्च में रहेगा। गौरव, एक्चुअली है ना, तुम तो साइकिलिस्ट लग रहे हो यार, कुछ कहानी जुड़ी है क्या साइकिल से, बिल्कुल ऐसे तैयार रह करके? बेसिकली मैं पिछले 4 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ। मैं बॉम्बे में था जब मैंने साइकिलिंग करना चालू किया था, तो वहाँ पे नॉर्मली मैं कॉलेज कम्यूट करता था कॉलेज के लिए रोज के, मतलब 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर रोज की मेरी कम्यूटिंग होती थी। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई, वहाँ पे मैंने बहुत वेट भी लॉस करा उस चीज़ को, तो और अब ऐसा जुड़ गया, अजमेर में कम्यूट करने को मिलता नहीं, पर अजमेर में लॉन्ग राइड्स कर लेते हैं पुष्कर तक, कभी किशनगढ़ तक, कभी एयरपोर्ट तक। वाओ,
की सारी चीजें हो जाती है, पर अजमेर में कभी ट्रेन नहीं हो पाता। किशनगढ़ तक भाई साइकिल के ऊपर चले जाता, बोले तो 25-30 किलोमीटर, क्या बात कर रहे ला, और वहां से 25-30 किलोमीटर बैक। कुछ लगता है सेहत में? वैसे फिट अंदर है भाई का, मैं निकल रहा हूँ। मेरे साथ है सुनीता जी, और आज हम इनसे बात करने वाले हैं। हम लोग इस वक्त आना सागर चौपाटी के ऊपर है और ये हमें साइकिल पर मिले हैं, तो आज हम सुनीता जी से बात करेंगे। तो मैम, आप जो साइकिल चला रहे हैं, ये आपकी हॉबी है या आपकी ही? नहीं, ये मेरी हॉबी है और मुझे अच्छा लगता है, ये फिटनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ देखिए, अगर हम फिटनेस की बात करते हैं तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स आ गए हैं, तो आप जिम भी जा सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। तो आपने साइकिल हॉबी क्यों चूज किया? जिम देखिए, उसे अब वन मंथ करते हैं तो वापस आपको कंट्रोल करना पड़ता है खाने पीने के ऊपर। ये आप डेली रूटीन में कर सकते हैं, जब चाहे आप कर सकते हैं। साइकिल जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब आप फ्री टाइम में सुबह से लेकर रात तक भी आप किसी भी टाइम। ये नेचुरल है, ये एकदम नेचुरल है, इसके लिए आपको कोई प्रिकॉशंस नहीं रखने हैं और कोई कंट्रोल नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना है जी। तो हमने सुनीता जी से बात की है, साइकिल इनके लिए एक हॉबी है। और ये आप कितनी देर साइकिल चलाते हैं? वन आवर। ये डेली एक घंटा साइकिल चला रहे हैं और ये अपने आप को काफ़ी फिट महसूस करते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा इनसे बात करके। थैंक यू मैम। आपका नाम? शंकर लाल। तो आप कितने टाइम से साइकिल चला रहे हैं? 40 साल। 40 साल से आप साइकिल चला रहे हैं, तो आप कैसा फील करते हैं जब अगर हम 2019 की बात करते हैं तो लोग बाइक पे घूम रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, और आप साइकिल चलाते हैं, तो आप कैसा फील करते हैं? बढ़िया करते हैं। अच्छा फील करते हैं। तो आप साइकिल पे रोज काम के लिए जाते हैं? अखबार बांटते हैं। अच्छा, आप अखबार देते हैं? अब जॉब पे जा रहे हैं। अब आप जॉब पे जा रहे हैं। 40 साल से साइकिल चला रहे हैं, और जब से इन्होंने स्टार्ट किया था तब से लेके अभी तक कंटिन्यू साइकिल पे ही काम कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो साइकिल चलाने की स्प्रिट है वो कितने साल तक काम कर सकती है। कि आप 40 साल से साइकिल चला रहे हैं, तो अगर हम डिजीज़ की बात करते हैं, बीमारियों की बात करते हैं, तो आपको किसी तरह की बीमारी है? नहीं, अभी कोई बीमारी। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप जो साइकिल चला रहे हैं तो ये बेनिफिट आपको मिल रहा है कि आप कोई मेडिसिन नहीं लेते, आपको कोई बीमारी नहीं है? नहीं, कोई महसूस ही नहीं है। आपको महसूस भी नहीं होता है? देखिए, अगर इस उम्र की बात करते हैं तो इस उम्र में आते हुए लोगों को काफ़ी सारी बीमारियाँ फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ये 40 साल से साइकिल चला रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक इनको कोई बीमारी नहीं है, ये किसी तरह की कोई दवाई भी नहीं लेते। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइकिल चलाना एक हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इससे बहुत फिट रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर आज हम लोग आना सागर चौपाटी के ऊपर, हमने कई लोगों से साइकिल के बारे में बात की है। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप आज से ही साइकिल चलाने की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप नई साइकिल ले लीजिए। और अगर आप नई साइकिल नहीं ले पाते हैं तो इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ वो है अजमेर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और जिन्होंने पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग स्कीम को निकाला है, और यहाँ से आप साइकिल किराए पर ले सकते हैं जो कि सिर्फ 5 रुपये देकर आपको साइकिल मिलेगी। तो आप अपनी साइकिल चलाइए, और अगर अपनी साइकिल नहीं चला सकते तो ऐसे अजमेर में 8 जगह बनाई गई है जहाँ से आप साइकिल किराए पर ले सकते हैं। तो साइकिल चलाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। एमपीटीवी इंडिया से मैं हूँ रितम्रा आपके साथ। थैंक यू सो मच। साइकिल सेहत ही नहीं, पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है, लाभदायक है, ये आज का दिन बताता है। क्योंकि जिस प्रकार लगातार सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ रहा है और कंजम्पशन डीजल, पेट्रोल और फ्यूल का बढ़ रहा है, वो तो हानिकारक है ही है पूरे पर्यावरण के लिए। क्योंकि उससे निकलने वाला धुआँ, उससे निकलने वाले जो केमिकल्स हैं वो पूरे पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं हमारे शरीर को, क्योंकि ईश्वर ने हमारे जो भी नेचुरल जो हमारी शक्ति है उन्होंने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, चलने के लिए बनाया है, लेकिन हम कहीं एसी, कहीं कार, इनका उपयोग करके उसको, उसकी उपयोगिता
सिद्ध नहीं करने दे पा रहे हैं शरीर को, तो साइकिल चलाने से तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और पर्यावरण भी स्वस्थ रहता है। मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा अजमेर की जनता को, देश की जनता को, कि साइकिल चलाइए, स्वस्थ रहिए, तन को स्वस्थ रखिए, मन को स्वस्थ रखिए और पर्यावरण को भी स्वस्थ रखिए। Thank you.